जीरो वर्जन है 002, और ये इसके नोज कट कॉइन पॉइंट के साथ में ये इसका पावर का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है आपका मेन SDR का पूरा आपका। अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप जो भी लोग देख रहे हैं आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस लाइक जितना हो सकता है उसको लाइक करो उसको, और एम रखेंगे एटलीस्ट 1000 लाइक, 1000 लाइक मैं एम रखूंगा इस वीडियो का, क्योंकि मैं ये कोशिश करूंगा कि लाइव जितनी लाइक जो है जितना बढ़ सके उतना अच्छा है। तो और अगर मुझे 1000 लाइक आ जाता है, ये भी सुन लो, अगर मुझे 1000 लाइक आ जाता है तो मैं भाई नेटवर्क पे एक और कमाल का सेक्शन लेके आऊँगा जो आपको मज़ा आ जाएगा। यूट्यूब का पहला वीडियो जिसमें आपने देखा SDR के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और हमारा कॉल भी लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज स्टेबल हो गए, यहाँ पे ओपन है, बट हम इस रजिस्टर को तो लगा लेंगे दोस्तों, पर हम इस IC को निकाल के एक बार पूरा चेक करेंगे, इस IC को निकाल के हम पूरा चेक करेंगे, क्योंकि ये वीडियो प्रैक्टिकली आपको वोल्टेज समझाने के लिए है, ये फॉर्म तो हम वैसे ही बना देते, बट हम अब IC को निकाल के ये मैं आपको एंडलेस क्या बताना चाहता हूँ, देखो एंडलेस ये बताना चाहता हूँ तो 1.8 वोल्टेज मिल गया है, तो मतलब ये सप्लाई भी मेरी बिल्कुल ओके है। देखिए वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर, फिर मैंने आईफोन X की चार्जिंग बताई है पूरी, और फिर मैंने बैटरी आईफोन X पे आने वाले BSI आईफोन X पे आने वाली जो सप्लाई होती है ना, जो जिसके कारण स्विचिंग जो हमारे बैटरी से हमारा फॉल्ट आता है उसकी मैंने आपको सप्लाई बताई। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? हाय यूट्यूब की फैमिली, कैसे आप सभी लोग, ऐसे टेलीकॉम के सारे सब्सक्राइबर, धूम मचाने का टाइम आ गया है, दिवाली आ चुकी है, और जैसे कि आपने देखा कि एक माइक्रोस्कोप का गिव अवे हम कर चुके हैं, जाके देख लीजिए पुराने वीडियो में, और माइक्रोस्कोप जिसको मिला है जो सोफिया करके हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, और नेक्स्ट कुछ ही दिनों के अंदर एक और बड़ा एक बड़ा सा गिव अवे करने वाले हैं और मजा आ जाएगा। अब इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को मिलने वाली बहुत सारी चीजें, तो दोस्तों आज आपको टेक्निकली क्या मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का वीडियो है, कल से हमारी क्लासेस चालू होने वाली हैं, नया बैच हमारा कल लग रहा है 27 तारीख को, कल हमारी काउंसलिंग क्लास है, तो कल काउंसलिंग क्लास का भी वीडियो देखना कि बच्चे आते हैं फॉर्म वॉर्म कैसे भरते हैं, किस तरीके से उनका एडमिशन लेते हैं, और जो पहली उनकी डेमो क्लास रहती है किस तरह से रहती है, क्योंकि परसों सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक उनकी क्लास रहेगी, सवेरे का पूरा CPU मैम से रिबॉलिंग और बहुत कुछ उनको कॉम्पोनेंट डिटेलिंग के साथ में सारी चीजें, और रात का आउटपुट भी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा फिलहाल लाइव फेसबुक पे, तो इसलिए फेसबुक में जाइएगा, ज्वाइन कर लो Acer टेलीकॉम को और फॉलो कर लो, क्योंकि जैसे ही हम आएगा तो वो है ये वाला कैपेसिटर, तो 1.8 इस पे भी आ रहा है, हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो दोस्तों आज क्या है, आज वापस मेरा पिटारा खुल गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने कितना ड्राइंग्स जो मैं बनाता था मोबाइलों के, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो मैं मोबाइलों के ड्राइंग्स बनाता था, और इस पे याद है आपको वीडियो, तो आपको मैं वीडियो बता दूं कि मैंने एक WTR, जी हाँ WTR का वीडियो बनाया था, और बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा है और बहुत सारे लोगों ने इंजॉय किया है इस वीडियो को, तो चलो इस वीडियो को और एंजॉयबल करते हैं और अपग्रेड करते हैं। अब WTR नहीं, अब इसके ऊपर क्या, अब इसके ऊपर आता है SDR, जी आज आपको मिलेगा SDR के वोल्टेज का कंप्लीट नॉलेज। दोस्तों मेरे पास एक सेट भी आया हुआ है, तो ये सेट आ गया तो उसको लेके मैं इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं, तो
दोस्तों ये मेरे पास सेट आया हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हैं, ये है Redmi Note 6 Pro और अभी आप देखिए यहाँ पर, दिखाइए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने सिम भी लगा के रखी हुई है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सिम, ये देखिए इसमें मेरी जियो की सिम लगी हुई है और जो मेरे ही नंबर से लगी हुई है, ये मेरी पर्सनल सिम मैंने इसमें लगा के रखी हुई है। ये अब इसको ऑन करते हैं थोड़ा पीछे से, और ये है नेटवर्क फॉल्ट में ये हमारे पास मोबाइल फोन आया है। तो हमने इसका कंप्लीट डायग्राम, जो कि मैंने इसका हालांकि फॉल्ट फाइंडिंग तो हमने करी ली है और ये ऑलरेडी एक टेक्नीशियन से, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने किसी, जिसने भी हमें सेंड किया है कुरियर में, ये बता देता हूँ, ये हमें कुरियर में आया है, जिसने भी हमें सेंड किया है उसने कहा है कि उसने लोकल मार्केट में बता दिया है और दुकान वाले भाई ने उसको वैसे सेट बनाया नहीं है और उसको वापस कर दिया। तो क्या रीज़न है कि भाई ये वापस हो गया और क्या उसने काम किया होगा, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में। यार ये वीडियो है ना बहुत नॉलेजेबल है, अभी से अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यार अगला वीडियो और भी अच्छा होगा। अभी हमारे इंस्टीट्यूट के वीडियो भी आने वाले हैं, डेली क्लासेस के वीडियो आउटपुट आपको मिलने वाला है और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं साथ में। यार बीच बीच में गिव अवे मिल जाएगा, बड़ा सा कुछ गिव अवे। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, दिखाइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को नेटवर्क नहीं है, आप देख सकते हैं इस फ़ोन में, आप देख सकते हैं इस फोन में नेटवर्क नहीं है। तो सबसे पहले आइए चेक करते हैं इसकी प्राइमरी चेकिंग। दोस्तों अगर आपके पास फोन आए क्वालकॉम का और उसमें सीपीयू लगे एसडीएम, तो उसके साथ में है ना WTR कभी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, लिख लो इसको, उसके साथ WTR नहीं आएगा, उसके साथ आएगा SDR। सो अगर उसका जो फॉल्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना बेस बैंड का गेम अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेस बैंड है ना RFIC के अंदर है ट्रांस रिसीवर। सो अगर इसका फॉल्ट आया और अगर आपका सिम डिटेक्ट नहीं हो रहा है, प्लस अगर आपने चेक किया और देखिए मैंने सिम लगाया, सिम ही डिटेक्ट नहीं कर रहा है, दिखाएं यहाँ पर, ये देखिए, तो यहाँ पर मेरा सिम डिटेक्ट नहीं कर रहा है, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो जब आपका सिम डिटेक्ट नहीं कर रहा है, सिम आपका नॉट विजिबल है, आपका विजिबल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कंप्लीट ये जो है ये फॉल्ट आपका डायरेक्टली फॉल्ट होगा आपके RFIC, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी, जिसको हम ट्रांस रिसीवर कह सकते हैं। तो ये इसका फॉल्ट होता है और देखिए इस टाइम पे मुझे IMEI इसका शो कर रहा है। मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या हम चेक कर सकते हैं, अबाउट फोन में जाके देखे दिखाइए यहाँ पर, और इसका बेस बैंड में आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, तो इसका बेस बैंड हम चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों बेस बैंड आप देख सकते हैं अनॉन बेस बैंड आ रहा है, तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा बेस बैंड अनॉन है। तो जैसे कि इसमें आपने देखा कि जो आपका सिम है वो वर्क नहीं कर रहा है, सिम इज नॉट डिटेक्टेड एंड इसमें IMEI आ रहा है पर बेसबैंड अनॉन आ रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्टली आपका इसमें RF ट्रांस रिसीवर IC जो फॉल्टी है। तो ट्रांस रिसीवर IC को हम डायरेक्ट फॉल्टी नहीं मान सकते, तो उसके रिलेटेड वोल्टेज सबसे पहले हम चेक करेंगे। और क्योंकि इस फोन में काम हुआ है, दिखाइए एक बार, ये स्क्रीन दिखाइए सामने, देखिए इस फोन में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप इस फोन में आप देखेंगे तो आपको पेस्ट लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके नीचे ये IC और है, इसको भी हीट किया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पर आपको PFO IC दिखाई देगी, 2G और 2G वाला PFO दिखाई देगा, उसको भी हीट किया हुआ है। और यहाँ पे ना दोस्तों कंपोनेंट भी निकले हुए हैं कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कंपोनेंट भी निकले हुए हैं यहाँ पर। तो ये चीजें जो आप देख रहे हैं, तो इसको पूरा हम इसको बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे SDR के वोल्टेज चेक किया जाता है। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो WTR पे बनाया था, जिसमें मैंने बहुत क्लियरली WTR के वोल्टेज चेक करना, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक के नीचे लिंक दे देता हूँ, या फिर जाइए सर्च कीजिए, लिखिए WTR Acer Telecom, बस आप पहला वीडियो मेरे का ही पाएंगे, या फिर नेटवर्क Acer Telecom तो पहला वीडियो हमारा पाएंगे। तो आइए नोट 6 प्रो को बनाते हैं, क्योंकि कल से क्लास चालू हो जाएगी भाई, सेम जिंदगी वही डेली वाली, और
और इसके लिए मैंने कुछ आपको है ना समझाने के लिए कि पहले आप ये समझो कि अगर आपके पास में एसडीआर आईसी आता है तो आपको कितने वोल्टेज चेक करने हैं। तो आपने देखा कि डब्ल्यूटीआर आता तो आपको दो वोल्टेज चेक करने थे, 1.8 और 1.9 जो कि बेसिकली होता है 1.0 वोल्टेज जो कि मेन पावर से आईसी से आता है। पर आप मेरे भाई अगर एसडीआर आईसी चेक कर रहे हो ना तो दो नहीं तीन वोल्टेज चेक करना है। आओ चलो दिखाता हूं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने बनाया पहले WTR पर कंप्लीट एक वीडियो और मैंने WTR पे वोल्टेज भी बताए थे, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई थी। अब उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए दोस्तों, अगर मैं शुरुआत से बताऊं इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी हैं, जैसे मैंने जेसिस प्लस डिस्प्ले का बताया पूरा यहाँ पर, फिर मैंने आईफोन एक्स की चार्जिंग बताई है पूरी, और फिर मैंने बैटरी आईफोन एक्स पे आने वाले BSI आईफोन एक्स पे आने वाली जो सप्लाई होती है ना, जो जिसके कारण स्विचिंग जो हमारे बैटरी से हमारा फॉल्ट आता है उसकी मैंने आपको सप्लाई बताई। मैंने जियो का विदाउट डायग्राम पूरा पावर आईसी से BSI का सप्लाई बनाया। मैंने आईफोन 6 की चार्जिंग आईसी का पूरा डिटेलिंग किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आईफोन एक्स की वो बैटरी 8% हेल्थ का जो है उसका सोल्यूशन दिया। Xiaomi के वाइट लाइट और रेड लाइट ब्लिंकिंग का सोल्यूशन दिया यहाँ पर। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर J7 प्राइम चार्जिंग आईसी आप देख सकते हैं पूरा यहाँ इसका सोल्यूशन दिया, इसकी आपकी OBP आईसी का दिया। फिर यहाँ पर देख सकते हैं MTK यहाँ पे एक चार्जिंग सेक्शन मैंने यहाँ पर बताया। फिर आप देखें यहाँ पर नोट 4 का मैंने ऑडियो सेक्शन का स्पीकर आईसी का यहाँ पर बताया, और K318, फिर ये मेरा WTR। उसके अलावा ये मेरा पावर यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइट आईसी का मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये जो लाइट आईसी का यहाँ पर आपको बताया है ये मैंने आपको बताया आईफोन का लाइट आईसी का। उसके अलावा ये एंड्रॉयड का लाइट आईसी का डिस्प्ले आईसी का बताया ये आपको बेसिकली लाइट आईसी का ये। और इसके अलावा ये वीवो का Y81 का कैमरे का पूरा एरर निकाला था, मतलब उसका हमने बताया वीडियो। तो सारे वीडियो यार इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके सैमसंग का A50 का चार्जिंग का है, ये सैमसंग के A20 का वाईफाई का है, और अब भाई अब है SDR। तो अब मामला SDR का है। तो सबसे पहले तो क्या कर लो आप सब लोग, सब्सक्राइब नेटवर्क सेक्शन नेटवर्क सॉल्यूशन इतना ज़्यादा लेकर आ रहे हैं आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, रेड भी कर रहे हैं, ब्लैक भी कर रहे हैं, ब्लू भी कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं कि इंस्टीट्यूट आओगे तो खैर वो तो आपको पूरा सारी चीज़ें मिलेंगी, और यहाँ पर आओगे तो वो तो खैर ठीक। तो चलिए आइए इसको समझाता हूँ। सो बेसिकली ये है नोट 6 प्रो नेटवर्क सोल्यूशन। अगर आपके पास आईसी SDR 6.0 वर्जन 003 आईसी का एक वर्जन होता है, आप 6.0 हर तरह के आईसी को कंपेटेबिलिटी तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि वर्जन उसका बैच नहीं करेगा। तो ये इसकी मेन पावर आईसी है जो कि आपकी DC-DC प्लस चार्जिंग आईसी भी है। PM 6.0 वर्जन है 002, और ये इसके नोज कट पॉइंट के साथ में ये इसका पावर का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है आपका मेन SDR का पूरा आपका डाटा सीट। तो अभी मैंने इसके जो ब्लैंक किए वो ब्लैंक हुए हैं, इस पर मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं GR भी लिख सकता हूँ और OL ये सारी चीज़ें। तो इसको मैं कंप्लीट करके अपने जो स्टूडेंट हैं उनको सेंड करूँगा, पर कोशिश तो अभी है, अभी तो क्लासेस चालू हो गई हैं तो फिलहाल तो कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, बट कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्लास में इसको इंक्लूड करवा के इसको कंप्लीट करा दूँ। खैर अभी फिलहाल इसका मेन आउटपुट है क्योंकि ये वीडियो है एक SDR के वोल्टेज के लिए। तो हम इस पर और कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बाकी आउटपुट और इस पर आने वाली फ्रिक्वेंसी जो 19.2 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल्स की आती हैं जिससे आप DSO से चेक कर सकते हैं, तो वो भी मैं इस पर बताऊंगा। डाटा की सप्लाई, क्लॉक की सप्लाई, मतलब ऑल ओवर एक TX RX बैंड और जो आपके हाई बैंड या लोअर बैंड होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, कहाँ कहाँ से स्विचिंग होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार बताने के लिए, पर जिससे अभी काम बनता है पहले भाई वो सीख लो घर बैठे बैठे, क्योंकि इंस्टीट्यूट आओगे तो फिर बेसिक बहुत जरूरी है, बेसिक क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ बन जाएगा। सो दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपके SDR पे वो आने वाले वोल्टेज, तो भाई देखो सबसे पहला वोल्टेज 1.0, 1.8 और 1.2, ये तीन वोल्टेज हैं जो सबसे मेन कॉमन वोल्टेज है, 1.0, 1.8, मतलब तीन वोल्टेज आपको आने चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे ना वोल्टेज जैसे मैंने एक पैड पर बताया, पर ये पैड पे नहीं है, इसके साथ भी कई पैडों के साथ में ये है ना गए हुए हैं, मतलब ये सिंगल पैड पे नहीं है, यहाँ पे मैंने सिंगल पैड पर बनाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए बताऊं, 1.8 VREG मतलब ये आपका जो सेक्शन से आ रहे हैं ये LDO सेक्शन से आ रहे हैं और ये आपके मेन पावर AC से आ रहे हैं।
और यहाँ पर ये एल सीरीज में है, 12A इसकी सीरीज है, 1P मतलब प्लस, 1.8 प्लस मतलब पावर का है, इसको पी पावर प्लस भी दोनों कह सकते हैं। उसके साथ दो कैपेसिटर लगे हैं 47 माइक्रोफेराड और 100 माइक्रोफेराड के, पैलर कैपेसिटर फॉर फिल्ट्रेशन। तो ये तीन पैड पे आ रहे हैं, तो मेरे दोस्त तीनों पैड पे वोल्टेज मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक पैड पे भी मिस होगा तो आपको फॉल्ट आ सकता है। तो ये चेक करने के लिए ना आईसी निकाल के अंदर के पैड की कंटिन्यूटी हम इस कैपेसिटर तक चेक कर सकते हैं, जो लाइन पैड की जानकारी कहते हैं। इसके अलावा आप देखिए इस पैड पे आपको 1.0 मतलब 0.9 के बराबर वोल्टेज आना चाहिए, और यही जब आप कॉलिंग करेंगे तो स्टेबल जो होगा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आपको 1.2, 1.8 और सेम 1.0 अलग अलग पैड पे, और जहाँ जहाँ ब्लैक किए हैं वो सारे आपके ग्राउंड है, और जहाँ जहाँ ब्लू किए हैं वो आपसे सारे NC हैं। तो चलिए, और ये बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए सपोज इस पैड पे कोई वोल्टेज नहीं आता है तो GR चेक करेंगे, अगर GR नहीं आता है तो इसका मतलब ये लाइन ओपन है, और ये लाइन आपकी, ये आपकी पावर IC PM660 के अंदर। अगर मैं पैड बताऊं, ये देखिए 1.0, तो इस पैड से इस कैपेसिटर तक कंटिन्यूटी चेक करना है, क्योंकि मेरे भाई यहां से वोल्टेज होते हुए यहां से होते हुए यहां जा रहे हैं, बेसिकली मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, अभी इस लाइन पर जा रहे हैं। सो ये बहुत बात की बात है। तो जैसे बहुत से लोग बोलते हैं सर आईसी निकालने पर भी काम नहीं हुआ, क्यों भाई, क्योंकि बाहर तक चेक कर रहे हो, अंदर क्यों नहीं चेक कर रहे, हो सकता है वोल्टेज बन रहा हो। कई लोग बोलते हैं सर वोल्टेज भी बन रहा है फिर भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है, आप वोल्टेज बाहर तक चेक कर रहे हो, आप ये नहीं चेक कर रहे अंदर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आइए इस पर इस आईसी को पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इस आईसी को निकालते हैं और देखते हैं कि क्या इस आईसी को रिप्लेस करने की जरूरत है या सिर्फ वोल्टेज का मामला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको शुरू करते हैं। फोन हमने अपना चालू कर दिया, हम इसके पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जो मैंने बोला कि क्योंकि HDR का फॉल्ट है। तो मैं आपको डायग्राम्स में एक बार दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये डायग्राम ओपन किया हुआ है, और इस बार हम बोर्नियो पे काम नहीं करेंगे, हम डायग्राम पे काम करेंगे, क्योंकि बोर्नियो में भी बहुत सारे डायग्राम नहीं मिल पाते हैं, डायग्राम समझना जरूरी है। बोर्नियो सिर्फ डायग्राम के लिए फेमस है, बाकी हार्डवेयर सोल्यूशन डायरेक्ट सोल्यूशन के लिए, बट मैं ये समझता हूँ अगर आपका डायग्राम होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो HDR IC है वो ये लगा है U1501। तो हम इस IC को पहले सर्च कर लेते हैं, ये देखिए। तो ये IC यहाँ पर आपको दिख रही है, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी डॉट डॉट आ रहे हैं क्योंकि PDF इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे ये PDF को फिर से खोलना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार फिर से ओपन करता हूँ, और इस बार ओपन करता हूँ क्रोम के अंदर, मैं दूसरा PDF रीडर भी डाउनलोड कर सकता हूँ, बट मैं इसमें कर लेता हूँ Ctrl+F U1501। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये IC आपको मिल गई है, ये देखिए लिखा हुआ है HDR660 और 03 इसका वर्जन के साथ में। तो ये जो अलग अलग लेआउट इसका ये दिखाते हैं, एक सप्लाई का जो कि सिर्फ GR का सप्लाई का होता है, और एक वोल्टेज का। तो अभी हम वोल्टेज की बात करते हैं इस पर, तो आप देखिए ये वोल्टेज पर है। तो देखिए पहला वोल्टेज हम बात करते हैं 1.0, जो कि आना चाहिए इन कैपेसिटर्स पर, ये लगा है C504। तो अगर मैं यहाँ पर C504 देखूं, C1504, मेरे ख्याल से C504 है खाली, हाँ C1504 है। तो ये कैपेसिटर मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं मिला तो C501505 मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो आप देखिए C1505, तो ये लेआउट दोस्तों सर्च नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। कई बार लेआउट का रहता है कि जो इनके ये आपके नंबर्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते, क्योंकि ये छपे हुए हैं यहाँ पर, बेसिकली अगर प्रिंटेड में होते तो ये सर्च कर लेते, बट मैं ये मतलब इसको लेआउट को बेसिकली ये ना नंबर्स को फाइंड नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, तो हम इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये देखिए C505 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर ना आपको मिलना चाहिए 1.0 वोल्टेज इस कैपेसिटर पे। और अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो देखिए पहले आपको दिखा देता हूँ,
ठीक है, फोन चालू है और फोन अभी नो सर्विस पे है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर, अब देखिए मैं इसको वोल्ट पे कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे 1.0 वोल्टेज समथिंग आना चाहिए। देखिए वोल्टेज आ रहा है, आप देख सकते हैं 0.9, तो इसका मतलब ये सप्लाई लाइन बिल्कुल ओके है। अब चलिए दूसरे बोर्ड पर, तो मतलब यहां पर पूरे पे वोल्टेज आ रहा है। अब अंदर आईसी के अंदर पैड पे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा वो तो खैर बाद में पता चलेगा, पहले सारे वोल्टेज को बाहर बाहर से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा वोल्टेज हम चेक करते हैं, ये है 1.8 वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज है ये आ रहा है 1523 और 1524 नंबर के कैपेसिटर्स और कुछ इन कैपेसिटर्स में, तो 15, 23 और 15, 24। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 15, 23, 15, 24 इसी के पास है, क्योंकि पहले मैं सर्च कर लेता हूँ सर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए सर्च तो नहीं कर रहा है, तो 15, 23, 15, 24 करके कैपेसिटर मुझे यहाँ पर ढूंढना है जो कि इसी के आसपास लगा होगा और कहीं नहीं लगा होगा। तो एक बार और देख लेता हूँ 15, 23 है कि 15 क्या है। तो 15, 23 और 15, 24 ये कैपेसिटर हैं दो जो कि मुझे यहाँ पर देखने होंगे। ये देखिए 15, 23 ये मिल गया जो कि एक बड़ा कैपेसिटर है। आइए चलिए इस पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आने चाहिए, सिम लगी हुई है तो ये वोल्टेज आ रहा है, अदरवाइज ये वोल्टेज नहीं आएगा। ये कैपेसिटर ये देखिए, ये दिख रहा है ये कैपेसिटर, तो 1.8 वोल्टेज मिल गया है, तो मतलब ये सप्लाई भी मेरी बिल्कुल ओके है। अब और आगे बढ़ते हैं, ये है 1.8 वोल्टेज की सप्लाई, ये भी कैपेसिटर्स पे आ रही है C 15, 21 और 15, 22। ये आप देख सकते हैं 15, 21 और 15, 22, एक 0 ohms का रजिस्टर भी लगा हुआ है इसमें सीरीज में। तो ये हालांकि इसको सी से शो किया है पर वो रजिस्टर है। तो 15, 21 और 15, 22, तो 15, 21 और 15, 22 भी यहीं कहीं देखो, 15, 21 ये मिल गया ये कैपेसिटर और 15, 22 ये बड़ा वाला। तो ये बड़ा वाले कैपेसिटर पे आइए चेक करते हैं और ये 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। तो देखिए 1.8, जैसा कि मैंने पहले बोला सिम लगी होगी तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो वो है ये वाला कैपेसिटर, तो 1.8 इस पे भी आ रहा है। तो अभी हमने 1.2 नहीं डिटेक्ट किया है, हमें सारे तो मिल गए हैं 1.0 पर, 1.2 और भी वोल्टेज हैं इस पे। जैसे मैंने 3 वोल्टेज पे आते ही हैं, अब 3 अलग अलग पैड पे भी आते हैं। तो यहाँ पर अब हम जाएंगे, एक और है ये, तो ये वाला जो वोल्टेज है ये है 1.0 वोल्टेज, तो एक 1.0 एक और वोल्टेज है। तो ये इस पे भी एक सीरीज में 0 ohms का रजिस्टर लगा है, ये 15, 17 कैपेसिटर। तो हम ये वाला कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं 15, 17, और अगर ये रजिस्टर का फॉल्ट होगा तो ये वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज मिल जाना चाहिए। अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहे दोनों कैपेसिटर पे तो इसका मतलब है कि पावर आईसी से वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो 15, 17 पे वोल्टेज चेक करते हैं सबसे पहले, 15, 17। तो देखिए 15, 17 ये है और 15, 19 है मेरे ख्याल से दूसरा वाला, 15, 18 है, तो 15, 18 चाहिए बड़ा वाला।
तो ये हम देखते हैं 15-17 पे आ रहे कि नहीं आ रहे, फिर 15-18 पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। 1.0 मतलब 0.9 सिम लगने के बाद ही आएगा। तो ये है दूसरे नंबर का कैपेसिटर ऊपर वाला। अच्छा देखिए आप, ये कैपेसिटर निकला हुआ है यहाँ से, ये कैपेसिटर निकला हुआ है यहाँ से, और इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। और दूसरा कैपेसिटर ये है, इस पर 1 वोल्टेज आ रहा है। तो इस तक 1 वोल्टेज आ रहा है, पर इधर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो देखिए एक फॉल्ट तो हमें ये मिल गया है कि इस तक 1 वोल्टेज नहीं आ रहा, पर इधर तो आ रहा है। एक फॉल्ट तो हमें ये मिल गया है। तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने 0 ओम्स का रजिस्टर बताया हुआ है, एक बार देख लेते हैं सीरीज में। ये है C1529। अब देखो 0 ओम्स का नंबर है, ये मिसप्रिंट का होगा फॉल्ट। ये नीचे लिखा हुआ देखो, यहाँ पर बना है 1529, मतलब ये दो जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है उसमें से नीचे वाला। पर आइए जब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर ना दोस्तों आप देखिए, क्योंकि बताया तो वहां रजिस्टर है पर नाम गलत लिखा है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको यहाँ से भी कॉम्पोनेंट निकला हुआ है। मैंने क्या बोला, इसके कॉम्पोनेंट निकले हैं, इस पर हीट मारा गया है, काफी कुछ किया गया है इस पर। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, पर यहाँ पर देखिए 1 वोल्टेज मिल गया। इसका मतलब ये है कि फॉल्ट हमारा यहीं से है, ये रजिस्टर यहाँ पे ओपन है। बट हम इस रजिस्टर को तो लगा लेंगे दोस्तों, पर हम इस आईसी को निकाल के एक बार पूरा चेक करेंगे। इस आईसी को निकाल के हम पूरा चेक करेंगे, क्योंकि ये वीडियो प्रैक्टिकली आपको वोल्टेज समझाने के लिए है। ये फॉर्म तो हम वैसे ही बना देते, बट हम अब आईसी को निकाल के, ये मैं आपको एंडलेस क्या बताना चाहता हूँ। देखो एंडलेस ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो मुझे यहाँ पर नहीं मिलता, तो फिर अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज मिल जाता, तो फिर मैं ये आईसी को निकाल के अंदर की कंटिन्यूटी चेक करता, जो कि मैं इसके बाद करने वाला हूँ। क्योंकि ये मैं करने के बाद मैं यहाँ पे एक 0 ओम्स का रजिस्टर भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे इस आईसी को निकाल के एक बार अंदर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, और उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करने के बाद में आईसी को वापस लगा देते हैं, क्योंकि अभी तो फॉल्ट यहाँ का समझ में आ रहा है, क्योंकि रजिस्टर निकला हुआ है। बाद में फिर देखेंगे कि नेटवर्क बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए ठीक है। और दोस्तों मुझे यकीन होगा कि ये वीडियो आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, और ये एक लेटेस्ट वीडियो है। अब तक मेरे ख्याल से SDR पे किसी ने वीडियो नहीं डाला है, तो ये भी YouTube फर्स्ट वीडियो है SDR के एक वोल्टेज का, कि 3 वोल्टेज 1.2 1.8 और 0.9 आपको 1 वोल्टेज के साथ में मिलेंगे, और किस तरह की लाइनिंग पैड और ICO के अंदर भी बहुत सारे पैडों पे मिल सकते हैं, और बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो में दी है। अगर आपने स्किप किया है तो ये गलती आपकी है। जब घर बैठे फ्री का ज्ञान मिल रहा है तो पूरा ही लो, क्योंकि क्लास में तो 12 घंटे की एक एक सेकेंड देना पड़ता है स्टूडेंट को, और वो कीमती है। तो चलिए इस IC को पहले निकाल देते हैं, और यहाँ पे देखिए दोस्तों किस तरह से मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट एक लेटेस्ट सेक्शंस के बारे में अपडेट किया है SDR। और आप देखेंगे कि यूट्यूब पर ना सर्च करने पे आपको शायद ही मिलेगा, और इतनी डिटेलिंग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने दोस्तों को शेयर किया होगा। सो ही शेयरिंग से ज्ञान बढ़ता है, हमने भी आपके साथ शेयर किया है नॉलेज। और आपको लगता है कि अगर आप ऐसे ही कुछ वीडियो से आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप एक दिन भी मत रुको, एक सीट बुक कराओ और एक महीने में कोर्स अटेंड करो, और ऐसा काम चालू कर दो करना। क्योंकि YouTube के वीडियो पे डिपेंड रह के प्रोफेशनल काम करना मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कि आप पीछे होते जाएंगे, और आप पुरानी अभी टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करते रह जाएंगे। कहीं ना कहीं वीडियो को देख के से बाईपासिंग सीखेंगे दोस्तों, इसमें आपका आउटपुट ठीक नहीं रहेगा। आप 4 मोबाइल बनाएंगे और एक ऐसा मोबाइल ख़राब कर देंगे जिसमें 4ों के पैसे आपके चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, प्रॉपर जगह ट्रेनिंग लो, आप इसे टेलीकॉम ज्वाइन करो, यहाँ रहना खाना सब कुछ फ्री है। डुअल डेकर बोर्ड आप, डुअल डेकर CPU भी आपसे करवाते हैं, CPU ड्रिलिंग और भी सब कुछ स्टूडेंट से ही करवाया जाता है। जब तक स्टूडेंट बोले कि हाँ सर मुझे आ जाएगा और मैं करूँगा तो मुझसे परफेक्टली बन जाएगा, तब तक हम उससे करवाते हैं। 7 दिन लगातार हम ब्लैक पेस्टेड पे काम कराते हैं। वो अपना किसी भी तरह का वन प्लस हो गया या ओप्पो वीवो का ब्लैक पेस्टेड का बोर्ड ला के हमको दे,
और बोले कि सर मुझे इससे निकलवा के बता दो, बिना पैड के मुझसे निकलवा के बता दो, तो बिल्कुल आपसे निकलवा के बता देंगे। तो इतने लेवल पे ना आप सबसे एसर टेलीकॉम गारंटी के साथ पढ़ा सकता है। और आप एसर टेलीकॉम को ज्वाइन करो। देखिए मैंने यहाँ पर एचडीआर निकाल रहा हूँ मैं, और ये आईसी मैं सिर्फ इसीलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर की ना वोल्टेज की कंट्रेटी चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर मैं वापस वो रजिस्टर लगा के जंपर लगा के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं वन टाइम में ये सारी चीज़ मैं चेक कर लूँगा। तो मुझे सारे वोल्टेज तो आ रहे हैं और ये एचडीआर भी ख़राब हो सकता है, तो एक बार मैं चाहता तो उसको चेंज भी कर सकता था, बट क्योंकि मैं एक बार उसको रिवॉल्व करके देख लेता हूँ, क्योंकि ये एचडीआर एक आईसी महंगी आईसी होती है, 200 से 300-400 रुपये तक की एक आईसी आती है मार्केट में ओरिजिनल की अगर हम बात करेंगे तो, क्योंकि जो इसका डुप्लीकेट वर्जन होता है वो इतना वर्क नहीं करता है। तो आपको जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, हमने रजिस्टर भी लगा दिया है और हमने यहाँ पर आईसी को रिवॉल्व करने वाले हैं, और रजिस्टर लगाने हम चाहते तो जंपर लगा सकते थे, पर रजिस्टर लगाने से फ़ायदा ये हो जाता है कि एक आपका कंपनी लेवल पे काम हो जाता है, क्योंकि जंपर बाद में निकल भी सकता है और उसके बाद में कस्टमर फिर आपको लौटा सकता है, ऐसे आइडिया आपके पास आएगा ही नहीं। तो दोस्तों ये कोर्स को ज्वाइन करो एसर टेलीकॉम में, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी दिवाली धमाका में आपको एक और बड़ा आपको गिव अवे में करने वाला हूँ, और वो गिव अवे आपको इतना मज़ा आ जाएगा। और अभी जैसे मैं चाह ही रहा था कि एक ऐसे को वो मिले माइक्रोस्कोप, जिसके पास माइक्रोस्कोप ना हो, तो माइक्रोस्कोप का गिव अवे, मतलब अब तक इंडिया में पहली बार, तो YouTube की हिस्ट्री में इस मोबाइल रिपेयरिंग में पहले एक हम हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप का गिव अवे किया है। आप मानिए 14 से 15 हज़ार का एक सेकेंड जनरेशन का माइक्रोस्कोप गिव अवे करना एक बड़ी मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। और अब हम दूसरा गिव अवे करने वाले हैं, तो एक और माइक्रोस्कोप का हम गिव अवे करने वाले हैं ये दिवाली के टाइम पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है इस पर, और बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हो सकता है कि अब नया माइक्रोस्कोप आपके पास पहुंच जाए, हो सकता है उससे भी बड़ी कोई चीज़ हम गिव अवे कर दें, क्योंकि अब हम अपने सब्सक्राइबर को बहुत सी सारी चीज़ें हम देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अब आप को फ़ायदा हो हमारे चैनल देखने का, आपको फ़ायदा हो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और चैनल के साथ बने रहने का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझे होंगे, और एक अच्छे से काम करने के लिए एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो बेहतर तरीके से बनिए यार, एक ट्रेनिंग लीजिए। सपना नहीं दिखाएंगे हम, हकीकत में आपका सपना पूरा करेंगे, बस आपको हमारे पास आना पड़ेगा और हमारे रूल्स और डिसिप्लिन के साथ आपको हमारे साथ पढ़ना पड़ेगा। 12 घंटे की क्लास, फिर बाद में थ्योरी की क्लास में आपको 10 घंटे 11 बजे से एटलीस्ट 8-9 बजे तक तो हम पढ़ाते ही हैं, और जो हमारे प्रैक्टिकल की क्लास में रहेगी उसमें हम सुबह 8 से 8 तक बुलाते हैं। तो आप आइए एसर टेलीकॉम में, और फिर ये सोचना भूल जाइए कि आपको कुछ आता है, ये सोचिए कि अब आपको सब कुछ आता है। सो ये कॉन्फिडेंस हम आपके लिए जगाएंगे। तो चलिए हमारी आईसी लग गई है, अब इसको हम दिखाते हैं यहाँ पर बोर्ड में फिट करके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन चालू हो गया है, अब हम इसको पहले देख लेते हैं कि हमारा नेटवर्क आया कि नहीं आया, और फिर हम वोल्टेज चेक करेंगे हमारा प्रॉपर तरीके से।
तो अब हम वोल्टेज चेक करेंगे इसके प्रॉपर तरीके से, पर पहले देख लेते हैं कि नेटवर्क आया कि नहीं आया। ओके तो डन, नेटवर्क हमारा आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं जियो और टावर नहीं आ रहा, मतलब आप देखिए तो टावर बिल्कुल कम आ रहा है, तो इसलिए क्योंकि ये अभी तक हमने इसका एंटीना आरएफ केबल लगाया नहीं है। हम आरएफ केबल लगा देते हैं इसमें, देखिए आर एफ केबल हमने लगा दी है। और अब हम चेक करेंगे, और ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारी जो सिम है वो सिम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए हमारी सिम भी एक्टिवेट है और दिख रही है यहाँ पर, और अब हमें टावर भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब एक इसमें एक कॉल लगाते हैं और देखते हैं कि कहीं फेक नेटवर्क तो नहीं आ रहे, कॉल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखिए कॉल लग रहा है, तो मैं फिर से एक बार कॉल लगाता हूँ और एक बार उठा भी लेता हूँ कि कहीं कॉल कट तो नहीं रहा है। हेलो 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 हेलो। तो देखिए हमारा जो नेटवर्क है वो सक्सेसफुली आ गया है, और आप देखिए यहाँ पर। तो चलिए आइए इसके वोल्टेज चेक करते हैं। जहाँ पर हमें चेक करने थे वोल्टेज 1.0 मतलब 0.9, और हमने एक रजिस्टर लगा दिया था, तो देखिएगा आप लोग। देखिए यही हमारी पीसीबी है, और इसी पर हमने ये देखिए रजिस्टर लगाया। हमने यहाँ पे चेक किए थे, पहले हमें वोल्टेज नहीं बन रहे थे, तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पर अब हमारे को वोल्टेज बन रहे कि नहीं बन रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज हमारे बन रहे हैं, तो ये हमारे वोल्टेज बन रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जैसे हम इसको कॉल लगाएंगे तो ये वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे। अब ये वोल्टेज फिर से चेक कर लेते हैं। चालू फोन है हमारा, और हमारा कॉल भी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज स्टेबल हो गए। और अब हम कॉलिंग कार्ड देते हैं, तो आप देख सकते हैं मैं कॉलिंग कार्ड देता हूँ। अब हम वापस ये वोल्टेज को चेक करेंगे, तो आप वापस देखिए फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब ये स्टेबल हो गए हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फॉल्ट था वो बेसिकली
यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर से था, बट क्योंकि ये वीडियो प्रैक्टिकली बनाना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रॉपर तरीके से ये वीडियो बनाया जाए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे बताएगा जरूर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कंप्लीट सॉल्यूशंस और YouTube का पहला वीडियो जिसमें आपने देखा SDR के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो YouTube का पहला वीडियो जिसमें आपने देखा SDR के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर। ये वीडियो बहुत मेहनत के साथ आपके लिए बनाया है। फ़ोन को बनाने के लिए हमको मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगता, बट क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाया है तो ये आधा दिन लग गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं ड्राइंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक एक बॉल बनाना और उसको पूरा समझकर बनाना और हर चीज़ को ड्रॉ करना, कहाँ किधर वोल्टेज है पूरा डायग्राम के हिसाब से इसको चेक करते हुए और आपके लिए ड्राइंग बनाना। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं बस आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप जो भी लोग देख रहे हैं आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और जितना हो सकता है उसको लाइक करो उसको, और एम रखेंगे एटलीस्ट 1000 लाइक। 1000 लाइक मैं एम रखूंगा इस वीडियो का, क्योंकि मैं ये कोशिश करूंगा कि लाइव जितनी लाइक जो है जितना बढ़ सके उतना अच्छा है। तो और अगर मुझे 1000 लाइक आ जाता है, ये भी सुन लो, अगर मुझे 1000 लाइक आ जाता है तो मैं भाई नेटवर्क पे एक और कमाल का सेक्शन लेके आऊँगा जो आपको मज़ा आ जाएगा देखने में। और मतलब मैं आपको बताऊँगा एक क्लास का एक टॉपिक खोल दूंगा आपके लिए अगर 1000 लाइक मिल जाता है तो 102%। तो कोशिश करो उसको शेयर करो और लाइक करो इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अब तक आपने WTR के वोल्टेज तो चेक किए होंगे, पर आज पहली बार आपने SDR के वोल्टेज को भी जानकारी लिख लिया होगा कि अगर SDR के वोल्टेज आए तो कितने वोल्टेज चेक करने हैं। पूरा वीडियो को नहीं देखा तो देख लो, फायदे का वीडियो है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। 4G CPU से लेकर आपने लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर किया आपने। बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किया, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। CPU भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर CPU करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर CPU और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट खोल है।